हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित कुमार एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां हम सीख रहे हैं फन के साथ फ्रेंच कि किस तरीके से हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर फ्रेंच लैंग्वेज को सीख रहे हैं। इससे पहले मैंने अराउंड 42 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके अंदर मैंने फ्रेंच वर्ब्स, काउंटिंग, अल्फ़ाबेट, मंथ्स ऑफ द ईयर एंड कुछ वीडियो एक्सरसाइज के डाले हैं। तो ये सब इतने वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना मेरे को एक ऐसा एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाना चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको समझा सकूं कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, और अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का प्लान कर रहे हैं तो आपको फ्रेंच ही क्यों चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन और ये जो वर्ल्ड ट्रेड इतना ग्रो हुआ है अभी के टाइम में, मतलब इसने थोड़े टाइम में, तो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आपको कोई ना कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं कुछ एक पॉइंट्स के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि क्यों आपको फ्रेंच लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया 280 मिलियन पीपल्स इन दिस वर्ल्ड, 280 मिलियन पीपल इस दुनिया में फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं ऑफिशियली। और इसका सेकेंड पॉइंट ये है कि 29 कंट्रीज़ में ये ऑफिशियली लैंग्वेज यूज़ की जाती है। एंड इसका थर्ड पॉइंट ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बाद सबसे ज़्यादा सीखी जाने वाली लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो फिफ्थ लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इसका पॉइंट नंबर फोर है कि सिंस 1945 से लेकर अभी तक फ्रेंच स्पीकर्स की जो संख्या है वो ट्रिपल हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च नेक्टिक्सा की अराउंड 250 तक पूरे वर्ल्ड वाइड में 750 मिलियन पीपल्स होंगे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे, मतलब जिस तरीके से और जिस स्पीड के साथ अभी सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर फाइव, एक रिपोर्ट के अनुसार यूएसए में 2015 में फ्रेंच स्पीकर्स की जो डिमांड थी वो थी 2 लाख के अराउंड, लेकिन ये 2019 से बढ़कर तकरीबन 19 लाख समथिंग हो चुकी थी। और इसका पॉइंट पॉइंट नंबर सिक्स है, 28 कंट्रीज में ये एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। मीन्स 28 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। इसका पॉइंट नंबर सेवन है कि फ्रेंच लैंग्वेज पूरे अगर वर्ल्ड वाइड का ट्रेड देखे तो 20% एरिया को कवर करता है। मीन्स जहाँ पर 20% एरिया ऐसा है वर्ल्ड का जहाँ पर जो कुछ भी ट्रेड व्यापार होता है वहाँ पर ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड का देखा जाए तो 1/5 हो। पॉइंट नंबर एट इसका ये है कि यूरोप में थर्ड नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोली जाती है। नंबर नाइन कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है अराउंड 29 और 28 कंट्रीज में ये फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। एंड नंबर टेन कि ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंटल पे फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्रेंच लैंग्वेज यूज एज इंटरनेशनल मीडिया, लाइक एक फ्रेंच का टीवी चैनल है टीवी सैंक मॉन्थ जो कि वर्ल्ड वाइड है। एंड नंबर इलेवन कि नंबर इलेवन ये कि लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
उसके अंदर इस लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है, जैसे यूएन, यूनेस्को, इसके साथ अगर टूरिज्म के टूरिज्म सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो पेरिस टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा देश माना जाता है, सॉरी फ्रांस बहुत अच्छा देश माना जाता है, वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से भी काफ़ी लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इसको इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ वर्ड है जो इंग्लिश से सिमिलर है, अराउंड 80% अगर देखा जाए तो ये इंग्लिश से सिमिलर है, तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स है लर्निंग के, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने बैठोगे तो इसको। बाकी ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छे पॉइंट्स थे कि इसके थ्रू सीख सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ में अगर BPO's में अगर देखा जाए तो, वर्ल्ड ट्रेड में देखा जाए तो, अगर वैसा देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज को स्पीकिंग कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर आप रहकर अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से जी सकते हो, या फिर इंडिया में भी काफ़ी सारा इसके स्कोप है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो तो फ्रेंच लैंग्वेज को करो। और इतने सारे बेनिफिट्स बताए हैं तो आई होप आपको इनमें से बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि आपको किस सेक्टर में जाना है, आपको कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये आप अच्छे से चूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी कर सकते हो। बट अगर मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज रिकमेंड करूँगा तो फ्रेंच लैंग्वेज ही करूँगा, क्योंकि इसके साथ एक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, कि अगर एक फील्ड में अगर परफेक्ट नहीं होते हैं तो अपन दूसरे फील्ड में भी काम कर सकते हैं, लाइक अपने लिए काफ़ी टाइप्स के रास्ते खुल जाते हैं जिसके थ्रू अपन कुछ भी कर सकते हैं। और बस इतना ही है आज के वीडियो में, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप की जॉब्स फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के बाद आप कर सकते हो, और इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की, क्या कुछ सैलरी होगी, उस सब के बारे में कल एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें एक्सप्लोर करूंगा। थैंक यू गाइज़।